और अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 50 खबरें रफ्तार से। विदेश दौरे से स्वदेश वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस यूएई के दौरे पर थे पीएम मोदी। अबुधाबी में पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से की द्विपक्षीय वार्ता, दोनों नेताओं के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर। मोदी सौनिम केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, सजा पर रोक लगाने की मांग की। यूसीसी को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाने साधे, कहा 2024 के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है पार्टी, छीनना चाहती है मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का पलटवार, बोले यह है नफरत की राजनीति। हेट स्पीच के दोषी समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर की कोर्ट का फैसला, 2019 पे दिया था विवादित भाषण। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को समर्थन के संकेत दिए, जयराम रमेश ने कहा, बोले राज्य सरकार के अधिकारों पर आक्रमण है ये, कांग्रेस इसके खिलाफ है और हमेशा रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे राजस्थान का दौरा, कांग्रेस के खिलाफ शुरू करेंगे बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। राजस्थान में 1 अगस्त तक चलेगा बीजेपी का अभियान, सभी विधानसभाओं में आयोजन होगा इसका। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे जनसभा को संबोधित, नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने की केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक, हवाई अड्डों पर क्षमता बढ़ाने पर हुई है चर्चा इस बैठक में। चंद्रयान 3 ने पूरी की पहली सफलता, वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक पूरी की पहली प्रक्रिया, इसरो ने इसकी जानकारी साझा की है। टमाटर की कीमत में गिरावट, थोक कीमत में 29% की कमी, नई फसलों के सामने से कीमत में आ सकती है अब और कमी। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा आपदा के वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का पलटवार, बोले दूसरों पर आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बोले हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कहा कि गाइडलाइंस के अनुसार छोड़ा गया पानी। दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी का हरियाणा सरकार पर हमला, कहा सारा पानी दिल्ली की तरफ ही क्यों छोड़ा गया। आईटीओ बैराज पर 5 गेट नहीं खुलने की रिपोर्ट पर सीएम मनोहर लाल ने लिया संज्ञान, जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कि सरकारी पाबंदियों की हो गई है आदत, जनता के साथ संपर्क हो रहे हैं अभी और मजबूत। दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की अहम बैठक है, पीएम मोदी भी होंगे बैठक में शामिल, शाम 5 बजे शुरू होगी मीटिंग। एनडीए के गठबंधन दल बैठक में रहेंगे शामिल, कई नए दल भी हो सकते हैं इस बैठक में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को लिखा लेटर, 18 जुलाई को दिल्ली में हो रही एनडीए की मीटिंग में किया आमंत्रित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में खोला गया नया सिनेमा हॉल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिनेमा हॉल का किया उद्घाटन। मेरठ में हाई टेंशन तार से टकराया कांवड़ियों का डीजे, करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौत, कई झुलसे। दिल्ली के बाराखंबा में डीसीएम बिल्डिंग की 9वीं मंजिल में लगी भयंकर आग, 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में दबंगों ने पुलिस के सामने की व्यक्ति की पिटाई, वाहन को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के सहारनपुर में कुछ लोगों ने एक युवक को डंडे से पीटा, वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। हरदोई में संडिला के कोतवाल की गुंडई का केस आया सामने, रेस्टोरेंट संचालक को मारा थप्पड़, खाने के पैसे मांगने पर भड़के कोतवाल। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों ने एक युवक को पीट दिया, कई बदमाशों ने युवक पर बरसाई लाठियां, पुरानी रंजिश के चलते विवाद था। बिहार के जहानाबाद में सरकारी स्कूल में मारपीट, पत्नी के सस्पेंड होने पर पति ने हेडमास्टर को पीट दिया, वीडियो वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरिया में चोरी की शंका में भीड़ ने नाबालिग को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के खंडवा में डॉक्टर की पत्नी और महिला के बीच में मारपीट हुई, अवैध संबंध की आशंका में हुई है झड़प। एमपी के नर्मदापुरम में ग्रामीणों ने 3 युवकों से की बदसलूकी, युवकों को जमीन पर लटाकर जमकर डंडों से पीट दिया, 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। एमपी के ग्वालियर में ई रिक्शा चालक ने लहराया चाकू, यात्री से बहस होने पर हुआ था विवाद। एमपी के छतरपुर में हुई सड़क पर व्यक्ति ने नशे की हालत में किया डांस, शराबी की डांस का वीडियो वायरल। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 3 चोरों ने की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के सीतापुर में युवकों ने चलती बाइक पर किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल। बिहार के मुंगेर में हॉर्न बजाने को लेकर दुकानदार युवकों ने मारपीट कर ली, 8 लोग जख्मी। यूपी के पीलीभीत से खबर, कार बाइक में भिड़ंत, टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत, कार चालक गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को मारी जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एमपी के रायसेन में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में 40 यात्री जख्मी, 10 की हालत नाजुक। बिहार के गोपालगंज में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के कौशाम्बी से खबर है, दबंग ने युवक को मारी गोली, आपसी विवाद में हमला हुआ, युवक का इलाज जारी है। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों ने युवक की चाकू गोदकर की हत्या, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका, आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम्स। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई, 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई अब तक। दक्षिण कोरिया में भूस्खलन की तस्वीर आई सामने, प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा। अमेज़न के जंगलों में सर्वाइव करने वाले कोलंबियाई बच्चे अब स्वस्थ हैं, बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। विमान दुर्घटना के बाद जंगलों में खो गए थे मासूम। चीन में भारी बरसात के बाद हालात बहुत ही खराब, यहाँ पे चारों तरफ जो है तबाही का मंजर, फसलों को भी काफी भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। तुर्की में भीषण गर्मी से जंगलों में लगी आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।